जिम्मेदारी है, भूख लगी है, खाना है, पहले क्या करो फिर नमाज। ये दीन है, क्या है ये नहीं कि जन्नत से पहले नमाज करो फिर खाना दूंगी, मां कहती है ना पहले क्या करो नमाज फिर, ऐसे नहीं है। दीन को समझे, इसमें तदरीज है, हमें चाहिए कि इन मसलों की तरफ भी तवज्जो दे। अब आखिरी मसला वही, आप कुछ लाए कुछ छापा है, ये आपको मालूम है कि ये हम कुछ एक को जो बता रहे हैं आज रिजर्वेशन पता आपको, उससे मस्जिद का कोई ताल्लुक नहीं, मस्जिद की कमेटी मस्जिद के पांच चलने से कोई ताल्लुक नहीं। हम एक वेलफेयर काम करना चाह रहे हैं आपके मोहल्ले में कि 100 रुपया पर मंथ, कितना दिन का कितना बनता है 300 रुपये दिहाड़ी में 300 रुपये, ठीक है ना। ये हम चाह रहे हैं कि आप रजिस्टर होंगे, काम भी हम बता रहे हैं, आप ले जाए घर में सोचें, उसकी एक बॉडी बनाएंगे, मैंने उसके कुछ मकासद भी हमने बनाए हैं, किसी जरूरतमंद को, किसी ऑपरेशन वाले को, किसी की किताब हो, ठीक है ना, कोई डिस्पेंसरी कुछ छोटी मोटी यहाँ पे बनाई जाए। तो हम चाह रहे हैं कि लोग बोलेंटायर इसमें रजिस्टर हूं, अपने नाम दें पहले, अगर हमारे पास 200, 300, 400 लोग हो जाते हैं तो ये हमारे पास कुछ 40-50 हजार रुपया पर मंथ जो ज्यादा देना जाए। मैं वो भूल गया, मेरे पास काफी कुछ लोगों ने नाम दिए, किसी ने कहा कि मैं 200 रुपया करूंगा, 300 रुपया करूंगा, ये उनकी मर्जी है, ठीक है। खाने किसी ने नहीं है, मेरे अगर 50 रुपए महीने बाद कोई खा भी लेता है तो मैं बख्श दूंगा, क्या ख्याल है, 100 रुपए अगर कोई खा भी लेता है तो क्या हो जाएगा। हमारे दोस्तों को कहते 4-5 हजार में किसी ने जान छूटती है तो चुरा लो, यानी 4-5 हजार दे दे, जिंदगी भर उससे क्या हो गया, जान छूट वो आपके पास नहीं है। तो इसको आप ले अपने इमाम साहब को दे, बच्चों को दे, ये वैसे काम करना चाहिए कि नहीं, जी जो समझते हैं करना चाहिए वह मुझे आप बात है जी, ये तो इनकलाब आ सकता है जना। हम वॉलंटियरली ये डॉक्टर मेरे दोस्त बैठे हुए हैं एक बैठ में है, इन्होंने कहा कि मैंने वहां की बात की है कि ग्रेड 16 तक ये मुझे बताया थे कि 3000 वहां पे वो मुलाजम है ग्रेड 16 तक इतने है जी, और ये बना रहे थे कि हमने कहा 50 रुपए दे, कितने दे, ये 1.5 हजार रुपया बनता है, कितना बनता है, और वो कह रहे थे जनाब किसी को शादी पर 40 हजार दे दे, किसी को 20 हजार दे दे, आज तो किसी के घर में डेथ हो जाए तो मेरा घर कवन का पैसा भी नहीं होगा, किसी की बात है नहीं होगा, अल्लाह के बंदो किसका इंतजार कर रहे हो, इस तरफ आए। इस्लाम का मतलब ये है, नमाजें पढ़ने का मतलब ये है कि कई उन्नास नहीं का उन्नास बेहतरीन इंसान को है जो दूसरों को पैदा हो जाता है। 100 रुपए आप बच्चे को जरा कश्मीर बेचने पे ले जाए, मगर साहब बैठे नाराज ना हो, आपने वही लगा दिया जी, ऐसे है कि नहीं जी है, ये कितना सा पिज्जा है, उन्होंने कहा 90 रुपए 100 रुपए, ठीक है जी। यदि आप एक वक्त में खाना ना अच्छा खाएं तो 100 रुपया बच जाता है, क्या ख्याल है, ऐसे ही है ना। तो इस इंकलाब के लिए वो भी तो देखे ना, ये बड़ी हम बातें कर रहे हैं, हम उन लोगों से नहीं घर का 12 सौ मान रहे, हम 12 सौ नहीं मांग रहे, उम्र पर घर का 1.5 सौ मान रहे, हम 1.5 सौ नहीं मांग रहे, कितना मांग रहे जी, किसके लिए, मेरे ऊपर हराम है, मैं यहां बैठा हूं, मेरे ऊपर मैं 100 रुपया दिया करूंगा, लेकिन उसमें से लेना मेरे लिए हराम, याद रखना, ना कोई ओहदा ना कुछ ना कुछ, अल्लाह ताला ने बहुत दिया है हजूर के सदके से। आप इससे कोऑपरेट करें, तामन करें, बच्चों के सामने अपना नाम पता एड्रेस, बल्कि इसमें मैं आपको बात बताऊं, हम ऐसे से जो नौजवान बच्चे हैं इनमें ब्लड ग्रुप भी ये दे रहे हैं कि हम अपना ब्लड ग्रुप भी देंगे, जो जिसको जरूरत हो खून करें, हम बच्चा भेजेंगे ब्लड ले ले, उसका लिख लेंगे इसने आप दिया 3-4 महीने 6 महीने, ये आप नहीं दे सकता, ये आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जो हम दूसरों कितना टैक्स दे रहे हैं महीने का, पता आपको कितना गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं जी, आपको कुछ मिल रहा है, आपको कुछ मिल रहा है, दवाई मिल रही है, कुछ मिल रहा हो आपको, मैं यहां ये बात कहता हूं, मेरे से सब कुछ ले ले, जितनी देर में काम कर सकता हूं खर्च करूंगा, गवर्नमेंट सब कुछ ले ले, एक गारंटी ले ले, मेरे बच्चों को अच्छी तालीम देगी, मेरे बच्चों को मुलाजमत देगी, मेरे बच्चों को छत देगी, मेरे बच्चों को 3 वक्त का खाना देगी,
अच्छी तालीम देगी, मेडिकेशन देगी, मैं जो कमाता हूँ सब हुकूमत देगी, मुझे क्या जरूरत है, हम किस लिए कर रहे हैं? समझ आ रही है ना? वेलफेयर स्टेट अगर बन जाए, उम्र फारूक अगर बच्चा पैदा होता है तो फरमाते हैं वजीफा लगा दो, क्या लगा दो? तो बाप को परेशान होने की क्या जरूरत है? समझ आ रही है ना? माँ को परेशान होने की क्या जरूरत है? बच्चे दो ही थे। समझ आ रही है ना? इसलिए इस तरफ आए, एक अपने भाइयों के लिए बहनों के लिए काम करें। 100 रुपए की कोई हैसियत आजकल कोई, मैंने पहले निकाले थे बर्गर कितने का आता है, उसमें होता क्या है कबाब, पता नहीं किसका बना होगा, आप जानते हैं किसका बना होगा, है जी? यानी आप एक वो क्या होता है शवारमा, वो कितने का आता है? 90 रुपए का। अच्छा, अगर महीने में ना खाए एक तो क्या होगा? 10 खा ले जनाब, एक ना तो क्या हो जाएगा? मैं आपकी सोच को बदलना चाहता हूं, अगर बात ये सोच का ही नाम है क्या, जब उम्र फारूक ने हर पैदा होने वाले बच्चे का वजीफा लगा दिया तो बाप को ये नारा देने की जरूरत थी कि बच्चे दो ही होते जी? वजीफा मिल गया है, बच्चे पैदा करो। मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि आमद के दिन मुझे फखर होना मेरी उम्र ज्यादा हो, हजूर ने फरमाया उस औरत से शादी करो जिससे बच्चे ज्यादा पैदा होने की उम्मीद हो, इधर बच्चे दो ही अच्छे बच्चे। ये गैर इस्लामी गैर अखलाकी नारे जो है ना, इसलिए लगाए जा रहे हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है, वसाइल हमने खुद पैदा करने, क्या करने हैं? मैंने जुमे में भी अर्ज किया था, अगर आप महीने में 5-5 चिकन पकाते हैं तो एक बार ना पकाएंगे, 100 का कितना आता है आजकल? आधा किलो, कितना आता है? तो मेरे भाई जरा तब्दील करें अपनी सोच को, हमें सेल्फिश खुद गर्व होकर नहीं जिए, किसके लिए? देखो तो मैं आपको बताऊं, हजूर का आज तक जाना भी मेराज की अजमत है, लेकिन वापस आना सूबिया लेते हैं उससे बड़ी अजमत है। कौन जाकर वापस आता है? कौन जाकर? अल्लाह ने दिया है उसमें से कुछ निकालेंगे, कोई सबका खराब नहीं है, ये भी याद रखिए, वो आपका अलग है वो आप। अच्छा जी, मैं और बताऊं, कितने लोग आप में से 10 रुपए का गला भरा गोश्त लेकर सबका लेंगे, जो कि देना ही हराम है? मैंने देखा 16 लाख की गाड़ी में बंदा बैठा हुआ है, 10 रुपए का फिफरा देके कहता टायरों पर भी भेज दो। किस पर भेज दे? वो ड्रामेबाज टायरों पे भी भेज रहा है, ऊपर भी भेज रहा है, और वो फेंक दिए उसने। सरकार देना है तो किसी गरीब आदमी को 10 रुपए दे, ये उलमाए कराम ऐलान आपको, ये गैर इस्लामी तरीका है। आप बकरे की सिरी खरीद के लाते हैं बस, तो सदके की जोर में क्यों फेंक दे? हलाल चीज है, किसी के मुंह में जाएगी। इसलिए इन चीजों को फैलाए मुआशरे में, ये जो ड्रामे इन्होंने शुरू कर दिए है ना, सड़कों पर खड़े हुए गोल लेके चारों पर बॉनेट उठा के, लोगों ने बॉनेट ही कहते हैं ऊपर भेज दें, इंजन के ऊपर भी भेज दें, जब मैं जब आता हूं वो एक्सीडेंट हो जाता है, जरा अच्छी तरह फेर। उसने कहा साहब जी, जब 13 रुपये बैठते हैं तो सुबहान अल्लाह इसका सारा पढ़ लिया करो, आपको 10 गालियां देकर बैठते हैं। कितनी गालियां? जब ऐसा किरदार है तो फिर यही होगा, हमें एक सोच को बदलना। मेरे भाई, मैं 8 साल से आपकी खिदमत में हूं, अब ये सोच आई है कि आप इसको बदले, तो आप ये काम भी करें, अल्लाह ताला हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। याद रखें, मेरे अगर 100 रुपए किसी बहन के काम आ जाते हैं, किसी की आंख के दवाई के लिए काम आ जाते हैं, किसी के दीन के लिए, किसी की किताब के लिए, तो इससे बड़ी ताकत कोई नहीं। भिखारी हमने नहीं बनाना, हम इंशाल्लाह इन पैसों से लोगों को कारोबार की तरफ लगाएंगे। समझ आ रही है? अपने इलाके के लोगों को, मतलब एक बहन हमारे घर में कपड़े सीती हाथ से, हम उसको 1200 की मोटर ले देते हैं, आप वो कितने कपड़े सी लेंगे जी? पहले तो ज्यादा सी लेंगे ना, आपको धोएंगे। इस तरह के काम करें, किसी को सिलाई मशीन ले दें, किसी को कुछ ले दें, सर्वे करें, हमारा कोई पड़ोसी भूखा नहीं सोना चाहिए। ऐसे ही है जी, हदीस यही है ना कि वो मोमिन नहीं जिसका पड़ोसी भूखा सो जाए। इस पर हमने काम करना है, यही मेराज शरीफ का समझ में तोहफा है, यही सबक है, नमाजें भी पढ़े, इंसानियत के काम भी हैं। अल्लाह हम मौलवी की दुआ आप कर लें।
اسلام نہیں بننا، کون بنے گا؟